जी हमारी आज की न्यू एंट्री थोड़ा दूर रख मैं तो, ये कराची से हमारे दोस्त हैं जी मोहम्मद साहब। ये उन्होंने जो है वो, ये जी माशाल्लाह हमारी न्यू एंट्री है जी अजीज़ केयर फार्म के ऊपर। और अजीज़ केयर फार्म अपने आने वाले तमाम नए बच्चों को वेलकम करता है, खुश आमदीद कहता है। और माशाल्लाह प्लाई का काम जारी है, जो दोस्त भी अपना बछड़ा हुआ प्लाई के लिए देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अजीज़ केयर फार्म के दरवाज़े खुले हुए हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदरुस्ती दे। और जिस मकसद के लिए ये मोहम्मद साहब ने लिया, अल्लाह ताला उस मकसद में भी इसको कबूल व मंजूर फरमाए। ये जी हमारी आज ये रात हमारे पास बछड़ा आया, न्यू है महमूद साहब का कराची से, और ये राणा साहब का। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है, धुंध है, ये आप चेक करें, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है और नज़र कुछ नहीं आ रहा। अभी मैं खाना शाना लेके आया थोड़ी देर पहले, तो रास्ते में इतनी धुंध है कि कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। 10:30 बजे का टाइम है, यानी कि आधा दिन गुजर चुका है। जो सर्दी है वो एक मरतबा फिर से लौट आई है। तो जाते जाते जो है वो बस समझ लें कि हाथी की पूंछल जो है वो रह गई है, वो बस अभी अड़ी खड़ी है। और सर्दी जो दोबारा से आ गई है। पहले मौसम माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा और बेहतरीन था, आउट क्लास के सबका धूप निकलती थी, बड़ा इंजॉयबल मौसम था। तो सर्दी जो है वो एक मरतबा फिर से आ चुकी है। कल भी थी धुंध, कल भी काफ़ी धुंध थी और परसों भी थी, तकरीबन 3-4 दिन हो गए धुंध जो है मुसलसल बढ़ रही है। कल इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई कि वो धुंध थी काफ़ी। और ये चेक करें, यहाँ से जानवर जो हैं वो शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं दूसरी तरफ, ये ताकि नीचे जो जगह है उसको नीचे से हवा शवा लगे तो जरासीम वगैरह ख़त्म हो उसके चूके। और ये हमारे जो हैं जानवर बांध दिए गए हैं दूसरी तरफ शेड के नीचे। और माशाल्लाह जी बेहतरीन और आउट क्लास जानवर हैं हमारे, टोटल ओवरऑल जितने भी हमारे पास हैं ये सारे 2024 के हैं। इंशाल्लाह ताला आफ्टर सम डेज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे हम 2024 के जितने भी जानवर हैं इनको खुला छोड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ये यहाँ पे हमने जो है वो अभी प्लानिंग हो रही है कि यहाँ पे जो हमारा ये सफ़ेद नुकरा यूके साहब से हैं, मोहसिन साहब, ये बछड़ा खड़ा है उनका, यहाँ से लेके जो सीधी जाली लगाएंगे हम इस तरफ, ये चोलस्तानी के पीछे से ये आगे जहाँ तक वो गाय का छोड़ा हुआ वहाँ तक जाएगी, और इसके दरमियान जो है वो हम छोड़ देंगे तमाम जानवरों को खुले। ये मेरे ख्याल में इमरान साहब का है ना, फ़हीम साहब फ्रॉम डेनमार्क, सॉरी ये आशिश साहब का है जी, ब्लैक ब्यूटी, ये आशिश साहब की है ब्लैक ब्यूटी। और ये जी माशाल्लाह चेक करें, ये आबद साहब की बछड़ी आ गई, ये ज़ुबैर शेख साहब का आ गया है कराची से, ये मोहसिन साहब फ्राम यूके से आ गया, और ये जो है अब्दुल बासित साहब का आ गया। तो माशाल्लाह ऐसे ही 2024 के जानवर जो हैं वो आ चुके हैं। ये जुल्फकार साहब का बछड़ा जा रहा है, चेक करें इसको माशाल्लाह, बस बस ये चेक करें माशाल्लाह, बड़ा टोरी जानवर है, पेट चेक करें इसका माशाल्लाह निकला हुआ है, गोल मटोल है, बेहतरीन और आउट क्लास किस्म की जो है वो अप्लाई हो रही है अजीज़ केयर फार्म के ऊपर। तो जो दोस्त भी अपना बछड़ा पलवाई के लिए देना चाहें तो वो रब्ता कर सकते हैं। ये आ गया जी इमरान साहब फ्रॉम कराची से, ये उनका ब्यूटी आ गई, और ये आ गया जी आशद साहब का, ये आशद साहब का जो हमारे पास नया बछड़ा है चोलिस्तानी, ये शिफ्ट हो रहा है। ये महमूद साहब का आ गया बछड़ा कराची से माशाल्लाह, इनका महमूद साहब का माशाल्लाह जो है वो रात भी हमारे पास एक बछड़ा आया जो शुरू में मैंने वीडियो में दिखाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ केयर फार्म के ऊपर न्यू एंट्रियाँ जो हैं वो चल रही हैं, आ रहे हैं बछड़े माशाल्लाह पलवाई के लिए 2023 के भी, 2024 के भी। तो जो दोस्त भी अपना बछड़ा पलवाई के लिए देना चाहें तो वो भेज सकते हैं। अब टाइम पीछे कम है, तो जो दोस्त भी बछड़ा ले रहा है वो थोड़ा सा जान में ले थोड़ा सा, ताकि वीकनेस ज़्यादा ना हो उसकी और वो आते ही जो ग्रोथ शुरू कर दे। अगर वीक बछड़ा लेंगे तो उसको महीना दो महीने तो वो वीकनेस पूरी करते करते ही शुरू में गुजार देता है। ये चेक करें जी, ये अली साहब का सियालकोट से आ गया, और शेख ज़ुबैर साहब का बछड़ा है, ये आ गया जी लुकमान साहब का फैसलाबाद से, चेक करें माशाल्लाह बैल हाई फाई क्लास का है माशाल्लाह। ये जी आबद साहब का आ गया, और
हुजैफा साहब का बछड़ा, ये चेक करें माशाल्लाह। बाबा हैक दे मारा है पिछों, ये जी माशाल्लाह चेक करें माशाल्लाह, दोनों बछड़े माशाल्लाह, पेट चेक करें कि गुलाइयाँ चेक करें, बेहतरीन और ख़ूबसूरत हो रहा है सारा सिस्टम पलाई का। ये आ गया जी हमदान साहब का कराची से माशाल्लाह, आउट क्लास बैल जो है वो माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं हमारे इस साल, और हर साल पिछले साल की नस्बत बेहतर है। ये जी अली साहब का आ गया बछड़ा 50 नंबर टैग, ये जी माशाल्लाह। और ये जो है ये जी 37 नंबर, ये भी अली साहब का आ गया सियालकोट से माशाल्लाह। टोरे जानवर जो हैं वो माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं, तो जो दोस्त भी अपना बछड़ा पलवाई के लिए देना चाहें, भेजना चाहें, भेज लें। 13,500 रुपये ले रहे हैं हम एक जानवर का, एक महीने का। और बाकी अभी मौसम दोबारा से फिर से ठंडा हो गया है, तो जो दोस्त भी अपने बछड़ों के सींग बनवाना चाहते हैं तो वो रबते में आएँ, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, कॉल और व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है। तो अपना जो है बताएं, जो जो दोस्त बताएगा सिर्फ उसी के जानवरों का बछड़े का जो है वो सींग बनेगा। ये आसफ़ साहब इस्लामाबाद से आ गया जी, और ये आ गया 87 नंबर टैग फ़र्ख भाई पेशावर से, ये माशाल्लाह उनका आ गया। और ये जो है ये माशाल्लाह जी अब्दुल बासित साहब का 148 नंबर टैग, सॉरी बाबर साहब का, ये बाबर साहब का माशाल्लाह जी। और ये जो है ये नईम साहब सिंह सांगड़ से, उनका बछड़ा लेके आ रहे हैं इजाज़ साहब, ये चेक करें माशाल्लाह। ये आ गया जी बाबर साहब मस्कत से माशाल्लाह। हमारी जो भी वीडियो होती है उसमें किसी किस्म का फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं करते हम। ये शहजाद साहब फ्राम कराची से, ये ओरिजिनल चीज़ें हैं, ओरिजिनल कलर हैं, जो चीज़ है वही दिखा रहे हैं हम आपको। तो इंशाल्लाह ताला जो भी दोस्त आए हैं हमारे पास और जो दोस्त भी आएंगे वो यही बताएंगे कि जो भी बछड़े हमारे पास वीडियो में देखते हैं आते हैं, ये उनसे बेहतरीन और आउट क्लास कंडीशन में खड़े हैं। ये इरफान साहब फ्राम गुजरावाला से, ये उनका छोटा बछड़ा के टैग नंबर 45। ये जी माशाल्लाह। ये फैसल साहब का आ गया बछड़ा जी माशाल्लाह, बेहतरीन और आउट क्लास। चेक करें माशाल्लाह, शाइनिंग चेक करें। अभी जो हमने घी दिया था उसके रिज़ल्ट अभी आना शुरू हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे कि जैसे ही धूप पड़ेगी वैसे अभी भी माशाल्लाह जानवर बहुत बेहतर हैं पहले से, शाइनिंग आ चुकी जानवरों के ऊपर। ये चेक करें जी, ये भी फैसल साहब का कराची से, ये जी माशाल्लाह। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है आपने। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये मस्ती करने को इसका मन है। ये जी जुबैद साहब का माशाल्लाह कराची से, और ये जो है ये जी फैसल साहब का आ गया माशाल्लाह, ये छोटा बच्चा था जब हमारे पास आया था। यसर सदीकी साहब का आ गया बछड़ा, हालांकि मैं जो हूँ ऊपर जगह जो है लेवल से ऊपर है। ये देखें ये मट्टी का ढेर लगाया जिधर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो वो कैमरा बल्कि सही से नज़र भी नहीं आ रहा होगा आपको, चाहे वो थोड़े से छोटे महसूस हो रहे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ ही नहीं है व्यापारियों वाली या कोई और चीज़ हम जूम करें या ये वो। ये मुबीन साहब का आ गया माशाल्लाह 49 नंबर टैग, और ये अली साहब का आ गया कराची से,
और ये जो है बाबा जी लेके आ रहे हैं, ये इरफान साहब फ्राम गुजरावाला से, ये उनका 47 नंबर टैग। और माशाल्लाह चेक करें, ये 229 नंबर टैग आ गया जी माशाल्लाह रबी साहब का। ये चेक करें, ये मस्ती शुरू कर दी इरफान भाई के बछड़े ने आते ही। और ये आ गया जी जलाल साहब का बछड़ा माशाल्लाह, ब्लैक ब्यूटी। ये नवीद साहब का बछड़ा आ गया, नवीद बेग साहब फ्राम कराची से। ये माशाल्लाह पिछों ही नंग यार, अगों ही नंग दे। ये जी माशाल्लाह, ये आ गया जी अब्दुल बासित साहब का, नहीं से ये जुनेद साहब का है जी, ये जुनेद साहब फ्राम कराची से। और इसके पीछे जो है ये फैसल साहब की है ब्लैक ब्यूटी माशाल्लाह, फिर कोबरा है ये, ब्लैक कोबरा। ये जो है ये आ गया जी आबद साहब का कराची से। और ये आ गया लियाकत साहब फ्रॉम मस्कत से। और ये बछड़ा जो है ये फॉर सेल है, अजीज़ कैटल फार्म का बछड़ा ये है फॉर सेल। तो जो दोस्त भी अपना बछड़ा परचेज़ करना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, बेहतरीन रेट में मिलेगा। ये सुफियान अवीज साहब का आ गया जी हैदराबाद सिटी से माशाल्लाह, बड़ा प्यारा कलर है। अभी ये नया आया है हमारे पास, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बेहतरीन और जो है इसकी कंडीशन है। ये जी माशाल्लाह आ गया रियाज अंसारी साहब का, ये मलक शबीर साहब का आ गया जी माशाल्लाह, शरीफ बछड़ा है माशाल्लाह, चेक करें आउट क्लास किस्म का लग्जरी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी बेहतरीन किस्म की ब्रीड जो है वो भी अवेलेबल है हमारे पास, प्लवाई के लिए दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नुकरे, पांडे, पटेले, चोलिस्तानी, साहिवाल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के जानवर जो है हमारे पास आ रहे हैं और बेहतरीन किस्म की प्लाई हो रही है। तो ये जी हमारे दोस्त हैं मलक शबीसा फ्राम कराची से, सॉरी मलक शबीसा फ्राम लाहौर से। ये उनका बछड़ा है माशाल्लाह जी 2030 की कुर्बानी के लिए आउट क्लास कंडीशन में खड़ा है और प्लाई हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चेक करें माशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत दे, तंदरुस्ती दे, नज़र बस से बचाए। चलो ले चलो भाई जस। ये जी माशाल्लाह, ये मौसम साहब का आ गया कराची से, ये भी खोलेंगे। और ये लाल बादशाह आ गया दानियाल साहब का, ये सारे अभी खोल रहे हैं, असल में एक पार्टी इधर लगी हुई है हमारी खोलने के लिए। ये फैसल साहब का आ गया और दूसरे जो हैं वो इस तरफ से खोल के बांध रहे हैं। तो यहाँ पे अजियाज भाई लगे हुए हैं, ये हसन साहब का और ये सुलमान साहब का। तो बछड़े माशाल्लाह सारे के सारे आउट क्लास और बेहतरीन किस्म के हैं, पलाई का काम जो है वो माशाल्लाह हो रहा है। अभी मौसम जो है वो दोबारा से चेंज हो चुका है। ये जो मौसम साहब का आ गया, ये चेक करें माशाल्लाह, नहीं नहीं लाइट बंद हो। ये रियाज अंसारी साहब का भी बछड़ा आ गया इधर दूसरे वाला। और ये दनान साहब का आ गया। और ये जो है ये अतुल आ गया 8 नंबर, फरदीन साहब का आ गया कराची से 41 नंबर, कलीम साहब। ये आ गया जी राणा खावर साहब का, ये अबू बकर और उमर साहब का आ गया बछड़ा माशाल्लाह। और ये फरदीन साहब, फरहान साहब फ्राम कोरिया से, ये माशाल्लाह जी उनका बछड़ा आ गया, चेक करें जालन नाफ और गुलाई भी माशाल्लाह ये पकड़ रहा है। पहले हाइट ही बढ़ाता रहा है ये,
अभी गुलाई पकड़नी शुरू की इसने। ये जी शेख इफ्तखार साहब फ्राम पिंडी से, ये माशाल्लाह उनका बछड़ा आ गया। ये असद सदीकी साहब का आ गया बछड़ा माशाल्लाह जी, कराची से जी। और ये टैग नंबर 20 अजीज कैटल फार्म का अपना है जी, अली चौधरी के नाम से टैग नंबर 20 अजीज कैटल फार्म का अपना कुर्बानी के लिए, ये वाला माशाल्लाह। और ये अली साहब का आ गया लाहौर से। और ये लाल बादशाह इस तरफ खोली है, ये लाल बादशाह है जी मुल्तान से दानियाल साहब का। ये काफ़ी दूर है, असल में मैं दूसरी तरफ खड़ा हूँ, ये चेक करेंगे। बाबे थोड़ा आगे हो, बराबर थे तू आ गए, यहाँ पल्ले पासे हो जाया करो। ये मजहर साहब फ्राम कराची से जी। और ये आ गया जी तौसीफ साहब का डब्बू 43 नंबर। ये नदीम रुबानी साहब का आ गया कराची से। ये लड्डू आ गया यामिन साहब का कराची से। ये जी माशाल्लाह, ये अली साहब का आ गया जी माशाल्लाह लाहौर से जी। ये जी अली साहब का आ गया माशाल्लाह। ये जी ये आ गया सुलमान, ये सुलमान साहब का आ गया कराची से। और ये जो है ये जी ये आ गया नज़ीर बेग साहब का, नहीं ये है राणा साहब का। और ये जो है ये नज़ीर बेग साहब का आ गया कराची से। ये आ गया जी कलीम साहब का यूएसए से। और ये आ गया जी अली साहब का लाहौर से, ये भी अली साहब का आ गया माशाल्लाह। और ये जी माशाल्लाह ये भी अली साहब का आ गया, ये प्यूजमा साहब का जा रहा है। और ये आ गया नुमान साहब का। तो छोटी सी वीडियो, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। तो ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह जी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।